हमने देखा कि इंडिया ने बड़ा आसानी से मैच जीती का भी मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और जो uh, तो 200 प्लस कर दिए थे और फिर इंग्लैंड चेज नहीं कर पाया था और ये कंडीशन भी उसी तरह ही uh, ऐसे लगा थोड़ा सा uh, थोड़ा सा स्लो हो गया था सेकेंड टाइम बड़ी हिटिंग के लिए और स्पेशली जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की कटर्स यूज किए बहुत जबरदस्त स्पेशली बुमराह तो बड़ा मुश्किल था इतना वन एटी के राउंड uh, रन चेज करना था आई थिंक राइट डिसीजन था कंडीशन uh, को देखते हुए बारबाउस में हमेशा यही होता है कि थोड़ा सा पिच टायर्ड आउट होना शुरू हो जाता है पिच पे आप देखिए कोई घास नहीं था तो थोड़ा जितने भी स्पाइक्स के मार्क्स हैं जो भी वेर एंड टेर है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है तो बहुत कोई uh, जब आप इस पिच इस इस पूरे स्क्वेयर पे जब आप जाते हैं ना तो बहुत कोई जिसको कहते हैं ना वेल प्रिपेयर्ड स्क्वेयर नहीं लगता ये ऐसे लगता right की की है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत है क्योंकि बहुत देते रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें उससे पहले अगर सिलेक्शन की बात करें तो तब भी बहुत ज्यादा जो है ना वेक्यूलेशन थी और फिर शुभमन गिल और उनमें बहुत स्ट्रॉग एक टाई था और सुनने में आ रहा था कि शायद विराट कोहली जो है वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो लेकिन ऐसा नहीं ऑफ कोर्स उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई और फिर स्पेसिफिकली अगर हम आज की भी बात करें मैच की जो अभी हुआ उसमें भी कोई खास रंस नहीं बना सके तो हमारी नेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाती है बाबर आजम अगर परफॉर्म ना करें कि तो उधर क्या हाल होगा पड़ोसियों में बात <laughs> वही है ना कि जो रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड है विराट का विराट कोहली का आईसीसी इवेंट्स में वो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है। है। और दूसरी चीज़ यह कि तमाम हिटर्स के बीच में उन्होंने बेसिकली एक एंकर का रोल जो है वो विराट कोहली का बनता है क्योंकि आप देख लें कि कंडीशन हमने देखा है थ्रू आउट यू भी और इवन कई आप कैरेबियन में भी देखेंगे कि लो स्कोरिंग या इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा तो उसमें विराट कोहली जैसे प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल दो अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके आ, लेकिन एक बड़ा नाम है बड़ा परफॉर्मर है और बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है तो आई एम श्योर के राइटली उसको पिक किया गया है आ, मेरे ख्याल में जिस तरह का टैलेंट इंडिया की बैटिंग में बाकी मौजूद है जो कि ज़्यादातर बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी रखता है और ऑल दो विराट कोहली भी जब सेट होते हैं तो बाउंड्रीज लगा सकते हैं लेकिन सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की ये है कि गेम को चलाना जानते हैं चेज़ भी स्पेशली चेज़ के मास्टर के जाते हैं और फिट uh, बहुत ज़्यादा है रन जो अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही वनज एंड टूज में वो बहुत ज़्यादा रन बना लेते हैं तो आई एम श्योर के uh, विराट कोहली किसी न किसी स्टेज पे जाके वो परफॉर्म भी करेंगे और अपनी सिलेक्शन को सही साबित भी करेंगे बिल्कुल